आज की वीडियो की शुरुआत हम एक गाने से करते हैं। उस गाने की लिरिक्स को आप 30 सेकंड के लिए सुनिएगा और बताइएगा कि वह गाना किस मूवी का है कमेंट में, और उसके साथ ही साथ उस गाने का क्या कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। जैसा कि आपने गाने की लास्ट लिरिक्स दिखी थी, उसमें लिखा हुआ था, उसमें बोला जा रहा था क्या 1 2 का 4। आज का कॉन्सेप्ट हमारा इसी टॉपिक पे है कि 1 2 का 4 क्या मतलब है, क्या वीडियो है कि केमिस्ट्री इन अनिल कपूर स्टाइल। ठीक है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से किसी परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनका क्वांटम संख्या कैसे लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4s है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इनकी चारों क्वांटम संख्या लिखेंगे। चारों क्वांटम संख्या का मतलब n, l, m और s, n, l, m और s का मान लिखेंगे। n का मान ये जो संख्या, जो कोशों की जो संख्या होती है वही n के मान को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे n के मान कितना हो जाएगा 4, यहां पर भी 4 है तो n का मान दोनों के लिए क्या हो जाएगा 4। l का मान लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि l का मान s के लिए कितना होता है 0। l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये चीजें आपको क्वांटम संख्या में पहले ही बता जा चुकी हैं। अब आते हैं, यहां देखते हैं s है, s का मान l के लिए 0, यहां पर भी देखते हैं s है तो s का मान हो जाएगा 0। ये दोनों तो आसान था, यहीं पे थोड़ी सी कठिनाई होती है, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। m है, m को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका मान निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो उपकोष है s, s में कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक। यहां भी s है, s में कितने कक्षक होंगे, 1 कक्षक। l का मान कितना है 0, तो जो मान रहेगा उसके ऊपर लिख दिया जा रहा है 0। पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा है। जो भी इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं वो हुंड के नियमानुसार ही भरेंगे और कोई तरीका नहीं अपनाना है। तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं उसके ऊपर की वैल्यू कितनी है 0, तो m का मान यहाँ पे क्या जाएगा 0। फिर आते हैं 4s2 के लिए, m के मान के लिए, तो जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये पहला और ये दूसरा, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी कक्षक में है और उस कक्षक के ऊपर की वैल्यू क्या है 0, अर्थात उसके भी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होगा 0 होगा। फिर लास्ट बात करते हैं s की, तो यहां पर देख रहे हैं जो ये पहला इलेक्ट्रॉन है और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो उसकी चक्रण कैसा है क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज होता है तो उसका मान कितना होता है +1/2, और जब एंटी क्लॉकवाइज अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका मान हो जाएगा 2। अब बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की, जो कि था 1 2 का 4, लास्ट लिरिक थी 1 2 का 4 माई नेम इज लखन। तो इसी पे आज का कॉन्सेप्ट है और ये पावली का अपवर्जन नियम इसी पर बेस्ड है। तो 1 2 का 4 का कॉन्सेप्ट है क्या कि एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि n का मान दोनों में सेम है, l का मान दोनों में सेम है, m का मान दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो चक्रण अर्थात s का मान है दोनों के लिए अलग अलग है। यहां पे +1/2 और यहां पर -1/2। तो आज का कॉन्सेप्ट यही था कि 1 2 का 4 माय नेम इज लखन, तो यहां पे 1 2 का 4 माय नेम इज पावली कह सकते हैं। 1 2 का 4 का मतलब एक परमाणु के, किसी एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं सकता। इस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए बस आपको इस सॉन्ग की लास्ट लिरिक पता होनी चाहिए कि 1 2 का 4 माय नेम इज लखन नहीं पावली, बस ये आपको पता है तो आप ये पूरा 2 नंबर का जो क्वेश्चन है पावली का अपवर्जन नियम क्या होता है इसको सरलता पूर्वक लिख सकते हैं। देखिए 1 मतलब 1 परमाणु, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब 4 क्वांटम संख्या। तो यही है कि किसी एक परमाणु के
दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। धन्यवाद।